कुछ वेस्ट मटेरियल उनके उसके घर से लेकर यूज करे एंड कुछ यूजफुल बनाए उस वेस्ट मटेरियल से सबसे so, पूछा जा रहा है कि जो पेडागोगिकल इंटेंशन होगी टीचर की वो क्या नहीं होगी समय so, चूज करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम द फोर ऑप्शन तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो so, यहाँ पे कहा गया है कि टीचर ने हर एक चाइल्ड से कहा कि वो कुछ वेस्ट मटेरियल उसके घर से लेकर यूज करे एंड उससे कुछ यूजफुल बनाए ठीक है So, हमें बताना है कि यहाँ पे जो टीचर की इंटेंशन पेडागोगिकल इंटेंशन पेडागोगिकल मीन्स जो एक टीचिंग मेथड है या टीचिंग प्रैक्टिस है ठीक है सो so, यहाँ पे जो टीचर की इंटेंशन होगी वो क्या नहीं होगी ठीक है सो so, हमें इन ऑप्शन में से चूज करना है करेक्ट आंसर को सो वन बाय वन अगर हम हर एक ऑप्शन डिस्कस करें तो हमें करेक्ट आंसर मिल सकता है अगर ऑप्शन ए की हम बात करें तो वो कह रहा है ऑर्गेनाइज एंड एग्जीबिशन कुछ यूजफुल या बेस्ट आर्टिकल्स बने होंगे आउट ऑफ वेस्ट उनको ऑर्गेनाइज करना एंड उनका एग्जीबिशन करना वो बिल्कुल करेक्ट होगा वो तो ऑब्वियसली अगर जो चिल्ड्रन है वो इतनी मेहनत से सारे जो वेस्ट मटेरियल उनके घर से कलेक्ट करके और कुछ यूजफुल चीजें बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो यूजफुल चीजें जो है उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा देन उनका एग्जीबिशन किया जाएगा वो उन आर्टिकल्स का जो वेस्ट से बनी गई है है ठीक ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी कह रहा है कि जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ये तो बिल्कुल टीचर का इंटेंशन होगा ही नहीं क्योंकि टीचर जो है वो ऐसा तो नहीं करना चाहेगी कि वो स्टूडेंट्स को जज करे एंड ऑन द बेसिस वो किसी एक स्टूडेंट को बेस्ट डिक्लेयर करे या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट को या बाकियों को ऐसा बोले कि वो कमतर है उस स्टूडेंट से सो so, ये इंटेंशन नहीं हो सकता ठीक है तो हमने देखा कि ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दी गई है वो एक इंटेंशन है टीचर की एंड ऑप्शन बी की जो स्टेटमेंट है वो इंटेंशन नहीं है टीचर की ऑप्शन सी की स्टेटमेंट देख लेते हैं डिवेलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन यस ये भी एक इंटेंशन है टीचर का बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि वेस्ट मटेरियल जो वो घर से ला रहे हैं तो उसमें वो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से उस वेस्ट मटेरियल को यूज करके कुछ यूजफुल बना पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है वो चिल्ड्रन की डिवलॉप हो रही है तो ये एक इंटेंशन हो सकता है टीचर का अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करें उसमें स्टेटमेंट दी गई मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट ऑफ री साइकिल एंड रिड्यूस ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चे सीखेंगे विद द बाय दिस एक्टिविटी दैट इज कि वो रिसाइकिलिंग का कंसेप्ट सीखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल यूज होकर एक यूज यूजफुल चीज बन रही है तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो रिसाइकिल हो रहा है री हो रहा है उनका यहाँ पे एंड रिड्यूस हो रहा है दैट इज जो वेस्ट मटेरियल इतना सारा था वो अब कम हो जाएगा दैट इज वेस्ट मटेरियल अब थोड़ा ही बचेगा एंड बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो तो यूजफुल चीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो so, जो ऑप्शन डी है वो भी एक इंटेंशन है टीचर की सो so, हमने देखा कि यहाँ पे ए सी एंड डी ये तीनों ही जो है वो एक इंटेंशन है टीचर की ठीक है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है ए सी और डी एंड हमने देखा